हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और बाकी अभी हमारी तैयारी चल रही है। खिलाने वाली घास काटने के लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि असोस तो कल हमने फाइनल कर लिया है, अब वैसे घास काटने नहीं जाना। तो अभी चार के चार साथ में जाएंगे, अपनी सार में ही जा रहे हैं, वहाँ से खिलाने वाली घास काट के लाएंगे। तो अभी दूध पी लिया है, चलते हैं। बाकी कल से ना मौसम, कल शाम से बारिश वाला ही हुआ है और बादल लगे हैं पूरे आसमान में। अभी तक तो वैसे आइडिया नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि अभी कोहरा है तो मौसम धूप है या बादल अभी कुछ नहीं पता है। बाकी ठंडा काफ़ी होने लगा है, सुबह ऐसा ठंडा हो रहा है ना अब, जो कि जाड़ों के दिन आ गए। वैसे तो जाड़ों के दिन आ ही गए हैं, बट स्टार्टिंग से ही काफ़ी ठंडा होने लगा है इस बार। अंजू तो चूल्हे के पास ही बैठे हैं, बाकी अभी हम लोग चलते हैं, फटाफट से खिलाने वाली घास काट के लाएंगे, फिर घर का काम करेंगे। अब सही रहता है ना, सुबह शाम ही जाते हैं घास को, दिन भर अपना घर का काम भी हो जाता है और आराम भी हो जाता है। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग घास से आ गए हैं, बाकी अंजू और देवरानी जी पहले आ गए थे, क्योंकि आज ना हमारे देवरानी जी का बर्थडे है। आप लोग इन्हें ज़रूर विश करना हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज पार्टी है हमारे, आप लोग ज़रूर आना। चलो चलते हैं, बाय बाय। अंजू और देवरानी जी चले अल्मोड़ा। तो दोस्तों अंजू और देवरानी जी तो नाश्ता करके चले गए अल्मोड़ा, बाकी हम लोग हैं अब मम्मी और मैं, तो हम दोनों नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर का काम करेंगे। अभी पानी भी आया है तो पानी भी भरना है, नाश्ता भी करना है। मम्मी लग गए हैं अब अपने काम में, नटियों बोलते हैं ना, तो वही है आज इसका काम फाइनल। जिस दिन से गहरी चुटाई की है ना, उसके बाद दोबारा इनकी चुटाई हुई नहीं है। अब आज घर में ही है तो सुखाने के लिए डाल देते हैं, बाद में इनका काम करेंगे आज फाइनल। तो मम्मी और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, बाकी आजकल ना बकरियाँ भी खोलने लगे हम, तो मैं थोड़ा देर ग्वाला जाती हूँ, बकरी को भी लेके जाऊँगी और गजू को भी, दोनों को यहाँ साथ लेके जाएंगे कि तू चल। आज मेरी बारी है ग्वाला जाने की, अब चलते हैं। दोस्तों फिलहाल तो मैं भी ग्वाला में ही हूँ, बाकी गजू भी यहीं है और बकरियाँ भी, बाकी ना सभी की बकरियां हैं। अभी तक मेरे साथ रूही थी तो अभी वो घर चली गई है, थोड़ी मैं बकरियों को देखूंगी। अभी घर को ले जाने का ही टाइम हो जाता है और मैं भी यहीं पे हूँ नीचे अपने ढोन पे। बाकी अंजू लोग भी शायद आ ही जाएंगे, मार्केट तो कब के पहुंच गए थे। और वैसे भी आज हमारे लिए काफ़ी खास दिन है, आज देवरानी जी का बर्थडे है, तो आज शाम को पार्टी करेंगे सेलिब्रेशन। उनका यहाँ ससुराल आके पहला बर्थडे है, तो अभी तो वो असोच फाइनल करके ना आज घूमने गए हैं अल्मोड़ा, तो था करवा चौथ भी ना, उनका पहला करवा चौथ आने वाला है ससुराल में, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए गए हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं बकरियाँ देखती हूँ। तो दोस्तों ग्वाला से घर आ गई हूँ, बाकी अभी घर का काम करेंगे। अभी मीनू लोग तो मार्केट ही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। बाकी मैं और मम्मी घर का ही काम कर रहे हैं, मम्मी ने खाना बना लिया है, तो हमको करनी है गैस की चुटाई दोबारा वाली, तो अभी वही काम फटाफट से कर लेते हैं, काम फाइनल हो जाएगा। अभी धूप भी है, वरना बीच बीच में ना बादल लग रहे हैं, तो अब अपने काम में लगेंगे हम। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के चार, तो हम लोगों ने गहरी चुटाई का काम ना उस टाइम फाइनल कर लिया था, बाकी उसमें से नट निकलता है जो उसके पुबाद लिए हैं, वो हमारे बकरियों के लिए काम आता है। और खाना वाना खा के ना अब हम लोग जाने वाले हैं घास को, तो फिलहाल तो मैं और मम्मी ही जाएंगे। आज हम दोनों ही घर में अकेले हैं, थोड़ा सुना सुना भी लग रहा है क्योंकि दोनों आज मार्केट गए हैं, बाकी वहाँ ना उन्हें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। वैसे तो गाड़ी में बैठ गए हैं, आज अल्मोड़ा में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि अल्मोड़ा में काफ़ी भीड़ हुई है, बाकी उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी। तो अभी चलते हैं हम लोग घास को, हमने थोड़ा घास बांधनी भी है, बाकी अब तो खिलाने वाली घास काटेंगे। तो चलते हैं, जब वो लोग आएंगे तो वो भी आ जाएंगे वहाँ, फिलहाल तो हम लोग चलते हैं। हम लोग लग जाते हैं अब घास काटने में, ऊपर वाली घास को थोड़ा देर में बांधेंगे, बाकी अभी काटते हैं यहाँ। और यहाँ ना सिमार वाली घास है तो पानी पानी हुआ है, और मैं पहन के आई हूँ जूते, अब ऐसे ही काटेंगे। वैसे है यहाँ फिर भी घास एक दो गुढ़े होगी कच्ची वाली, तो फटाफट काटते हैं हम दोनों, काटने लग गए। ऊपर ऊपर को घास है, नीचे मम्मी लोगों ने पहले ही काटी है खिलाने वाली। हमने यहाँ की घास काट ली है, बाकी अब इसको ना सुखाने के लिए यहीं डाल रहे हैं, मतलब देवरानी जी और अंजू आ गए हैं और वो घर चले गए, क्योंकि अब यहाँ आने तक ना उनको लेट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस घास को यहीं डाल रहे हैं, कल लेके जाएंगे अब। बाकी काट लिया ऊपर को, तो पानी पानी हुआ था, नीचे साइड डाल रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत खिलाने वाली घास भी हो गई। अब सार में थोड़ा बहुत ये घास थी ना, अब उजाड़ का डर रहता है गाय वैलों का, तो यहाँ अब साफ़ हो गया हमारा, तो हम घास सुखाने के लिए डाल रहे थे मम्मी हमें। सास बहू चल देते हैं घर को, मैं लेके जा रही हूँ खिलाने वाली घास, मम्मी पीछे से आ रहे हैं,
थोड़ा सूखी घास है, थोड़ा खिला ले अभी। आजकल सार में कोई दिख भी नहीं रहा है, बस मैं और मम्मी है यहाँ। टाइम से निकल लेते हैं घर को। तो वो सारा काम करने के बाद मेरा ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है रात से। बाकी हम लोगों ने ना खाना भी बना लिया है, खाना सारा तैयार है। और मम्मी लोग और हम लोग मतलब घर से आ गए हैं। बाकी अंजू लोग कब के मार्केट से घर आ गए, उन्होंने घर का ही काम किया था, मैं और मम्मी आ गए थे। बाकी अभी हमारी तैयारी चल रही है बर्थडे सेलिब्रेशन की, तो आप लोगों को दिखाएंगे रेरा जी लोग क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं, वो तो बाद में दिखाएंगे। बट हमारा पहले हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसकी तैयारी करते हैं। आज बड़ा खास दिन है, काफ़ी दिनों बाद बर्थडे आया है, तो ऐसे सेलिब्रेशन आते ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो भी तैयारी करते हैं हम लोग। मैंने पहले तैयार कर लिया रंजू ने, देखो तो फटाफट से बुला दिए सारे बलून जो लगे हैं। बाकी यहाँ भैया और ज्यादातर ना पर्पल कलर वाले ना सारे बलून यहाँ फूटे हैं। अभी इसे देखा जाए, ये सही निकला, बाकी अभी तक सारे दो तीन खराब निकले। ओहो लास्ट में फिर मेहनत वही, ये बलून भी इस वाले कलर के जितने हैं ना सारे एक का हाल एक ही है। ये देखो जितने निकले, काफी मेहनत के बाद हमने बैलून फुला लिए हैं, और ज्यादा तो फुला नहीं पा रहे, इतनी एनर्जी लग रही है ना, यहाँ पे दर्द हो जा रहा है बैलून फुलाते फुलाते। बाकी थोड़ा भैया ने हेल्प करी, तो अब ऊपर रूम पे चलेंगे, वहाँ डेकोरेशन करते हैं। अभी देवरानी जी हमारे तैयार हो रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। इतने बलून्स हमने फुला लिए हैं देखो, और काफ़ी टाइम लग गया है इनमें ही। इस कलर के ना ज़्यादातर सब फूटे हैं, बाकी एक सही निकला है अभी तक। तो अब चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ देखो, हम ना ये सारे बलून्स लेके किस में जा रहे हैं, डलिया में, क्योंकि ये हम एक साथ तो लेके जा नहीं सकते, तो हमने अपना दिमाग लगाया उस पर लेके जा रहे हैं डलिया पे। पूरे डलिया भर गया। यहाँ देखो हमारी बर्थडे गर्ल तैयार है साड़ी पे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप, प्रिटी। थैंक यू। बर्थडे गर्ल तैयार है, तब तक हम यहाँ रूम डेकोरेट करते हैं। यहाँ हमारी कोशिश चल रही है दिल बनाने की, बलून से हम ना हार्ट बना रहे हैं, अब फाइनल लुक दिखाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कोशिश की है हमने दिल बनाने की, तो थोड़ा बहुत तो ये दिल जैसा लग रहा है। काफ़ी मेहनत के साथ हम चारों लगे थे यहाँ दिल बनाने के, देवरानी जी का दिल यहाँ बन चुका है, अभी अच्छा लग रहा। बर्थडे गर्ल हमारी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज ससुराल में ना इनका पहला जन्मदिन आ रहा है, तो वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब हम लाते हैं केक, आप यहाँ आराम करें। तुम इसे देख सकते हो। तो हम सभी लोग पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी वाले रूम पे, बाकी मम्मी भी आ गए हैं, तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करेंगे। बाकी सभी लोग आ गए हैं यहाँ पे, देवरानी जी तो वहाँ पहले से ही तैयार हैं, तो अभी उनका बर्थडे मनाएंगे हम। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे बर्थडे पार्टी। देवरानी जी ने तो पहले से ही केक पकड़ लिया है यहाँ, अब सेलिब्रेशन हमारा शुरू होगा। मस्ती चल रही है। तो दोस्तों हमारा सेलिब्रेशन हो गया है बर्थडे, देवरानी जी का आज पहला बर्थडे मनाया है हमने उनके ससुराल में। तो अभी बारी है केक खाने की, तो केक खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पार्टी तो हो गई, अब केक खाने का इंतजार था। यहाँ देखो नमकीन खाई जा रही है, अभी हम लोग केक खाएंगे। देवरानी जी आ गए हैं, चलो केक खाइए, जाओ मुझे कोई ले दो। अब खाएंगे हम लोग केक, केक एंजॉय करते हैं, और नमकीन ही खाने में है, केक खाते हैं अभी। तो दोस्तों खाना खा के ऊपर घर का सारा काम फाइनल करके हम लोग नीचे आ गए हैं,
अभी भैंस को गोड़ बात के भी आ गए हैं, बाकी भी कुछ काम नहीं है, सोने का ही टाइम है। तो अपने आप लोगों को दिखाते हैं देवरानी जी जो शॉपिंग करके लाए हैं, आज उनकी शॉपिंग दिखाते हैं करवा चौथ की। इस बार ना उनका पहला करवा चौथ ससुराल में आ गया है, तो उसी की शॉपिंग करने गए थे अंजू और मीनू। तो अब दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। वैसे तो हमने भी अभी कुछ नहीं देखा है, तो अब आराम से फुर्सत से देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब देवरानी जी ने अपना सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया है जो लेके आए हैं। अब देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं। और आज तो ये और अंजू गए थे, तो ये लेके आए हैं सामान। क्या क्या लेके आए हैं आप देखते हैं। ये तो इनकी करवा चौथ की थाली है, चूड़ी, श्रृंगार का सामान। ये तो सारा श्रृंगार का ही सामान है। पायल, ये पूजा का और ये लेके आए हैं। क्या लेके आए हो आप? साड़ी, साड़ियाँ लेके आए हैं खूब सारी। एक साड़ी ये रही और एक ये है, बाकी एक है। तीन साड़ियाँ लेके आए हैं। तो एक साड़ी है, ये किसके लिए है आप बताना चाहेंगे? ये वाली आपकी है, दिखाना चाहेंगे आप? एक साड़ी मेरे लिए आई है, बाकी एक है देवरानी जी की। तो वैसे ना दोनों साड़ियाँ सेम लग रही है, कलर का वो कलर अलग अलग है, वैसे सेम डिज़ाइन है। ये रही देखो, अभी तो ना रात के टाइम में इसका कलर कुछ दूसरा ही लग रहा है। ये रही, एक ये है और एक ये है, बस दोनों का कलर थोड़ा चेंज है। ये है पर्पल और ये है थोड़ा मेहरून। और ये साड़ी लेके आए हैं मम्मी के लिए, है ना? ये मम्मी के लिए है। तो दोस्तों ये रही हमारी साड़ियाँ, तीन साड़ी है, बाकी एक है देवरानी जी की, एक मेरी। ये दोनों तो सेम है वैसे, बाकी एक मम्मी के लिए है। तो हम ये जब पहनेंगे ना साड़ी आपको, तो इसका लुक दिखाएंगे कैसी लग रही है साड़ी। अभी तो आपको देख के आइडिया नहीं लग रहा है ना कैसी है फुल साड़ी, तो जब पहनेंगे तो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है करवा चौथ पूजा का सामान, तो ये रहा। बाकी ये देवरानी जी का है, उनका पहला करवा चौथ है ना, तो सारा सामान लेके आए हैं। ये इस बार हम फोटो भी लेके आए हैं करवा चौथ पूजा के लिए। बाकी ये है कथा, इससे हम कथा पढ़ेंगे। बाकी ये रहा सामान, ये करवा है। बाकी पूजा के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे क्या क्या सामान लगता है। तो ये पूजा के लिए है, देवरानी जी का पहला करवा चौथ है, तो आज खूब शॉपिंग करके आए हैं, सारा सामान आया है इनका। तो बाकी आप लोगों को वैसे पता ही है करवा चौथ पूजा में मतलब क्या क्या यूज़ होता है, तो वही सब कुछ लेके आए हैं। बाकी ये रहा श्रृंगार का सामान, तो वैसे तो करवा चौथ में ऐसे श्रृंगार देते हैं अपने से बड़ों को, तो वही लेके आए हैं हम सब कुछ। इसमें है चूड़ियाँ, सबके लिए है, मेरे लिए भी लेके आए हैं। ये किसके लिए है? ये चाची के लिए, ये चाची के लिए लेके आए हैं आपके लिए, मेरे लिए ये रहे। बाकी ये है देवरानी जी, देवरानी जी का, और हमारी सेम है, बस साइज का फ़र्क है। बाकी ये है बिंदियाँ और श्रृंगार का सामान ही है, सिंदूर, पायल, मेहंदी, ये सब कुछ है। पूजा का ये रहा, श्रृंगार का ये है, बाकी ये रही साड़ियाँ। तो आज इतनी शॉपिंग करके आए हैं देवरानी जी। शॉपिंग करके कैसा लगा? अच्छा लगा। तो दोस्तों अंजू लोग जो शॉपिंग करके आए थे वो मैंने आप लोगों को भी दिखा दी, बाकी हम लोगों ने भी अभी शॉपिंग का सामान देखा, आप लोगों को भी दिखाया। सबसे मेन सामान तो अभी देखने को मिल रहा है जो देवरानी जी वैसे ना ज़्यादातर अपने लिए और मेरे लिए सेम सेम सामान लेके आए हैं। तो ये रहे इयररिंग, देखो इनके और मेरे ना सेम हैं, इनके ये वाले हैं, ये दोनों ना एक जैसे लग रहे हैं। देखो ये भी सेम है, पायल भी ना दोनों के सेम है। तो मैचिंग मैचिंग सामान लाए हैं, मैचिंग मैचिंग पहनेंगे उस दिन और फाइनल लोगों को फाइनल मैचिंग मैचिंग। बाकी जाड़ों का सामान लेके आए हैं, वैसलीन, यही सामान लेके आए हैं, वैसलीन, सॉक्स। आप जाड़ों के दिन आए गए हैं तो फुल तैयारी पहले से ही कर ली है। बाकी सारा श्रृंगार का सामान भी दिखा दिया है और करवा चौथ पूजा का भी।
बाकी साड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी, और इन दोनों की पसंद की थी ना, तो काफ़ी वैसे इनकी पसंद काफ़ी अच्छी है, तो हमें काफ़ी अच्छी लगी साड़ी, मम्मी को भी अच्छी लगी उनकी साड़ी। बाकी उस दिन पहनेंगे ना तो आप लोगों को लुक दिखाएंगे कैसा लग रहा है। वैसे नए नए कपड़े का ना पहनने का ना मन पहले से ही करता है, तो आज साड़ी आई है और ऐसा मन कर रहा है कि आज ही पहन ले, तो कल तो सिलवाने के लिए देना पड़ेगा। पता नहीं कितने जल्दी सिलवा के हमारा ब्लाउज आएगा, दो ही दिन बचे हैं पूजा के लिए, करवा चौथ के दिन 20 को है। तो अब लोग, अब तो हमारी सोने की तैयारी चल रही है, सारा काम फाइनल, अपना लास्ट में रेस्ट टाइम है, शौच भी ख़त्म हो गया है। बाकी आज के दिन ना और दिनों से ज़्यादा थकान लगी है, और शौच के दिन ऐसा लगता नहीं था, और आज का दिन ना पूरा काम वाला ही रहा है। तो अभी शॉपिंग का सामान भी देख लिया है, और दोस्तों आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक कमेंट ज़रूर करना, काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो कल मिलूंगी मैं आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो देखते रहें। बाय बाय।